अंगद साहिबा को बचाने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ। अश्विन मुझे भी इतना ही प्यार करता। अमो, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर। अगर दुनिया को पता चला कि हरनीत का एक नाजायज बेटा था तो मेरा पूरा नाम इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगा और साथ में तू भी फंसेगी। मैं तुझे जेल जाते हुए नहीं देख सकता। प्यार हो या जंग, इस तरह के कीड़े मकोड़े हमेशा कुछ ले जाते हैं। अंगद साहिबा को उसके प्यार पर एक बार और भरोसा करने के लिए कहता है और बोलता है कि वो साहिबा को वहां से बचाकर लेकर ही जाएगा और पूरी कोशिश करता है। एक टूटी कांच के टुकड़े से पहले अपने आप को निकालता है और फिर साहिबा का डोर खोलता है। पर इसी दौरान अमु ये सब देख रही अंगद का प्यार साहिबा के प्रति, उसे अब जलन होती है कि काश अंगद उसे भी इतना ही प्यार करता। और अमु के डैड को अपनी लाडली की आंखों में आंसू पसंद नहीं और यकीन दिलाता है कि अंगद उसी का होगा। और जहां अब साहिबा और अंगद गले मिलते हैं छूटकर, और लंबे अरसे के बाद कि ये मिलन उन्हें ऐसी सुकून देती है कि एक पल के लिए वो दोनों सारी दुनिया को भूल जाते हैं। पर अचानक साहिबा की निगाहें किसी पर जा टिकती है और दूर पिस्तौल लिए अमू के पापा ने निशाना लगा कर रखा है और अंगद को बचाने के लिए अब साहिबा आगे बढ़ती है और गोली उसके सीने में सीधे अंदर जाती है और अंगद अपने सामने अपनी महबूबा को गिरते देखता है उसकी जान बचाने के खातिर। तो आखिर जहां अंगद हर वक्त साहिबा को आग के लपेट से बचाता रहा, आज साहिबा अपने ऊपर से अंगद की सारी कर्ज क्या उतार कर चली गई। आखिर क्या अंगद अमू और उसके माँ बाप को कभी दोषी करार कर पाएगा? जहां प्यार की ताकत को कोई नहीं हरा पाया, वहीं मौत के घाट उतार दिए अंगद के साहिबा को लोगों ने। मिट जावे, लग जावे, लग जावे, जद यार दिला लग जावे। रब आप इश्क गावे, रब आप इश्क मिटावे, रब आप इश्क। मैंने कहा था ना साहिबा, कुछ नहीं होगा हमें, इस वक्त भी हम बच जाएंगे। कहा था ना? God.